हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुर अग्रवाल और ट्रेडर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपको पता है कि कुछ दिनों पहले आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रेपो रेट बढ़ाया है। अब फ्रेंड्स, रेपो रेट मतलब क्या? रेपो रेट ये वो रेट है कि जहाँ पर से जो बैंक्स जो है, जो रिटेल बैंकिंग जो करते हैं, जो बैंक्स जो है आरबीआई से पैसा लेती है, ये वो है, तो उसके ऊपर बैंक्स को कुछ इंटरेस्ट लगता है और वो जो इंटरेस्ट जो लगता है उसे हम लोग सरल मीन्स वो बैंकिंग लैंग्वेज में उसको रेपो रेट कहते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आरबीआई ने जो है रेपो रेट इंक्रीज कर दिया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या गिरेगा, हम आज के इस वीडियो के अंदर देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने रेपो रेट देखा रहेगा तो ये आरबीआई ने कुछ 0.25% से इसको इंक्रीज किया। अब फ्रेंड्स, इसमें होगा क्या, इसके अंदर अब यहाँ पर से जब बैंक्स को ही अपना जो लोन है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा। अब ये जब बैंक्स को एक्सपेंसिव मिलेगा तो ये कॉस्ट बैंक रिकवर करेगी, और ये रिकवर किससे करेगी, ये हम जैसे जो क्लाइंट्स हैं, हम जैसे जो कस्टमर्स हैं, हम जैसे जो बैंक्स के जो कस्टमर्स हैं, ये हमसे रिकवर करेंगी। अब ये कैसे रिकवर करेगी कि जब बैंक हमें लोन देगी या हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, तब यहाँ पर जो हम लोगों को जो इंटरेस्ट रेट है हम लोगों को वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी अगर आपने देखा रहेगा तो SBI जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, यहाँ पर से उन्होंने कार लोन जो है ये उसका जो इंटरेस्ट रेट है ये 9.700 कर दिया है। पर्सनल लोन का जो है उन्होंने 9.85 समथिंग कर दिया है। हो सकता है कि ये आंकड़े गलत हो, लेकिन यहाँ पर से जो इंक्रीज हुआ है ये 0.5 के टर्म में हुआ है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, कैसा होता है कि जब RBI ने इसका रेपो रेट बढ़ाने का जो इन्होंने जो डिसीजन लिया है ये बहुत सालों के बाद में लिया है। ऑलमोस्ट आप ऐसे कंसीडर कर लीजिए 4 साल के बाद में ये रेपो रेट बढ़ा है। अब 4 साल के बाद में जब ये रेपो रेट बढ़ा है, अब यहाँ पर इसके ऊपर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी इसका जो है एक प्रॉब्लम आएगा। इंडियन इकोनॉमी के अंदर अब जैसे कि आप सभी जानते हो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो कॉस्टिंग है ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर पेट्रोल की अगर हम लोग बात करते कुछ शहरों के अंदर 85 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पर से जब ये ऑलरेडी ये रेपो रेट बढ़ जाएगा तो इसके वजह से जो रुपया जो है ये और कमज़ोर हो जाएगा, और जब रुपया कमज़ोर हो जाएगा तो डॉलर्स की जो अपने को जो परचेस करना पड़ता है इंडिया को, उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, और ये कॉस्टिंग बढ़ने के वजह से जो इंडिया जो कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है तो वहाँ पर हम लोगों को कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और ये कॉस्टिंग बढ़ने के वजह से ऑलरेडी फिर वापस से पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके वजह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ये बढ़ जाएंगे, और जब बेसिक में अगर आप देखोगे अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग अगर बढ़ जाती है तो आधी से ज़्यादा चीज़ें वैसे ही महंगी होना चालू हो जाएगी, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की हम लोग जब बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टर्स भी क्या करते हैं, जो उनके लिए जो मेजर जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है और जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है, अगर उनके वही बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्टिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन की वो बढ़ा देंगे, और जब वो बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपने आप तक जो पहुँचने वाली जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो एक डिसीजन आया है आरबीआई की तरफ से रेपो रेट बढ़ाने का, इसके वजह से ओपनली मैं आपको कहता हूँ कि इसके वजह से आप लोगों के जेब के ऊपर खर्चा बढ़ जाएगा, और इसके वजह से इन्फ्लेशन जो है ये कम होने की बजाय ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये आरबीआई को भी पता है कि ये जो है ये इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका गिरने वाला है, क्योंकि अब इंटरनेशनली आप देखोगे, अगर ग्लोबली अगर आप देखने के लिए जाओगे तो ये ऑलरेडी एक जो है रिसेशन का फेस आ रहा है। सो होप गाइस कि हम लोग जो है ये इस फेस से बचे, और जो आरबीआई ने जो ये रेपो रेट बढ़ाने का जो डिसीजन लिया है ये एक सही वे में और एक इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखेगा, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो देखते हैं ये इन्फ्लेशन अब क्या होता है, ये बढ़ेगा घटेगा ये क्या होगा, ये जब आगे के क्वार्टर्स के अंदर हमें पता चलेगा कि ये जो रेपो रेट बढ़ाने का जो आरबीआई का जो डिसीजन है ये कैसा था।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और यदि आपके भी कुछ प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं आपको आपके प्रश्नों का सही से जवाब दे सकूँ। और मेरे अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।